नमस्कार श्रोताओं, जागरूकता से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में मैं के परेश आपका रेडियो दोस्त आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूं। जब देश भर की महिलाओं ने यह ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल, हर कोई हर रोज हमेशा। जय हिंद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कोरोना वॉरियर्स की फ्रंट या दूसरी लाइन के बाद जिक्र उन लोगों का भी जरूरी है जो मुश्किल वक्त में लॉकडाउन के पूरे दौर में सेवाएं देते रहे। ये सेवाएं निसंदेह शुल्क के बदले थीं, पर जरूरी थीं, और इन सेवाओं से जुड़े लोगों ने भी सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की, अपने समर्पण से, अपनी सेवा से। श्रोताओं, इन आवश्यक सेवाओं में मेडिकल, किराना, दूध, फल, सब्जी आदि प्रमुख थे। आज का अंक हम इन्हीं सेवाओं से जुड़े लोगों के अनुभवों पर केंद्रित कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने बात की श्री राजेश त्रिपाठी से, जिनका ताल्लुक मेडिकल सेवा से है। कोविड-19 जागरूकता से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद परेश। राजेश जी, आप मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे दरमियान आपने किस तरह से लगातार आपको ये सेवाएं देनी पड़ी होंगी, किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया, और इस पूरे दौर को आप एक मेडिकल सेवाओं से जुड़े होने के नाते किस तरह से देखते हैं? परेश जी, सर्वप्रथम तो ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को, ऑल इंडिया के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। निश्चित ही ये वक्त बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। पहली बार ऐसा एक माहौल बना जिसमें कि एक कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हम सब लोग दहशत में आ गए थे। शुरुआत जब हुई तब तो ये समझ में नहीं आ रहा था, और जब चूंकि सब तरफ ये बात प्रचारित थी कि अभी कोई दवाई, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हर कोई डर में था, और उस डर के माहौल में सबसे ज्यादा लोग इसीलिए परेशान थे कि किस प्रकार की दवाइयों से और किस प्रकार की व्यवस्था से हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। उसमें निश्चित तौर पर सभी आवश्यक सेवाओं में मेडिकल, विशेष करके डॉक्टर्स और तमाम नर्स, पूरा स्टाफ जो मेहनत कर रहे थे, उसके साथ साथ दवा के की उपलब्धता को लेकर हम सभी लोग बहुत चैतन्य थे कि इस वक्त जो भी चीजें आ रही हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक दवाइयां हों जो डॉक्टर्स के द्वारा बताई जा रही हों, या पैरासिटामॉल जैसी टेबलेट जो बुखार वादी के लिए इस्तेमाल की जा रही हों, या बीच में लॉरिगो, ये जो मलेरिया की जो दवाई है, मलेरिया के रोकथाम के जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं जी, उसकी वजह से लोगों को उससे काफी राहत मिल रही है। ये बात जब प्रचारित हुई जी, तो उस दवाई की उपलब्धता को लेकर सभी लोग चिंतित थे और चाहते थे कि हम अपनी सुरक्षा के लिए उन दवाइयों को अपने पास स्टॉक कर लें। लेकिन चूंकि भारत में उन दवाइयों की उपलब्धता बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि हमारे यहाँ मलेरिया की पर्याप्त प्रॉब्लम हमेशा रहती है, इसलिए यहाँ पर जो दवा कंपनियां हैं उसका निर्माण निरंतर करते रहती हैं, इसलिए उन दवाइयों की उपलब्धता को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं थी। हमने भी सभी लोगों को ये सचेत किया कि आप चिंता मत करिए, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, और जितनी आपको जब जरूरत होगी मिल जाएगी। सरकार की तरफ से भी इन चीजों की उपलब्धता के लिए पूरे प्रयास किए गए थे और सब उपलब्ध था, और हम लोग बराबर समय पर उन चीजों को उपलब्ध करा रहे थे। निश्चित ही मेडिकल के लिए सरकार की तरफ से ये सुविधा दी गई थी कि आप 24 आवर्स ओपन रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हालात ऐसे थे
कि हम लोग जो काम कर रहे थे उन लोग भी इस चीज को लेकर चिंतित थे। हम अपने स्टाफ के साथ उन चीजों को मैनेज कर रहे थे कि जिसमें जो समय निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा लोगों के आने जाने या घूम फिर कर अपनी चीजों को लेने के लिए, उन समयों पर हमारी शॉप हमेशा ओपन मिले, लोग असुविधा ना महसूस करें, जब भी वो आए उनको चीजें उपलब्ध हो सके। तो हमारे पास लोग पहुंच रहे थे, हम उनको उनकी जो सेवाएं हैं उनको हम दे रहे थे, बराबर दवाइयों की उपलब्धता करवा रहे थे। विशेषकर इस वक्त मास्क सैनिटाइजर जैसी चीजों पे बड़ा जोर था और शुरुआत में थोड़ी अव्यवस्था हुई, लोगों ने उसका फायदा भी उठाने की कोशिश की, जबकि सैनिटाइजर के रेट अनाप शनाप कर दिए गए, मास्क के रेट अनाप शनाप कर दिए गए, लेकिन फिर जैसे ही इन चीजों की जानकारी सरकार तक पहुंची, सरकार ने पाबंदी लगाई और उसके बाद उसका रेट जो था वो एक सुनिश्चित रेट किया गया कि इस रेट के ऊपर ये नहीं बिकेगा, तब से चीजों की उपलब्धता भी बराबर होने लगी। क्योंकि जैसे रेट बढ़ रहे थे उस वक्त कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे भ्रमित लोग या उस चीज का फायदा उठाने वाले कुछ लोग जो थे, उन लोग इस चीज के प्रेम में प्रयासरत थे कि इन चीजों को दबा दिया जाए, रख दिया जाए ऐसे करके जिससे रेट का फायदा लिया जाए। लेकिन जैसे ही सरकार के द्वारा रेट को निर्धारित किया गया, वो सब चीजें मार्केट में पूरी मात्रा में उपलब्ध हुई, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, अब वो सभी चीजें बराबर उपलब्ध थी और हम सब वो सब चीजें जो है हम लोगों तक प्रोवाइड करवा रहे थे। डिस्टेंस मेंटेन करने की बात लगातार रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित थी। हम लोगों ने उस चीज को फेस टू फेस लोगों को समझाया और अपने शॉप के सामने ऐसी व्यवस्था बनाई कि लोग एक निश्चित डिस्टेंस, कम से कम एक मीटर, डेढ़ मीटर, दो मीटर का डिस्टेंस रखकर खड़े हों और बकायदा अपनी बारी का इंतजार करें। और हम भी कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा देर किसी को रुकना न पड़े, जितनी जल्दी जल्दी हो उनके उनको सेवाएं दी जाए ताकि वो उस चीज को, उस सेवाओं के लिए ज्यादा देर तक खड़े न रहें। ये तमाम चीजों, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी जो हमने महसूस किया, पहली बार क्योंकि ऐसे गंभीर हालात हमने पहली बार अपने जीवन में देखे, ऐसे बहुत से और वायरस और बहुत सी और परेशानियां बीच बीच में आती रही, प्राकृतिक आपदा भी बहुत बार आई जिसको हमने देखा सुना, लेकिन ये एक गंभीर आपदा थी, वैश्विक आपदा थी जिसमें पूरा विश्व परेशान था, तो निश्चित तौर पर हर कोई डरा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं सराहना करता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों की कि उन लोगों ने इस चीज को महसूस किया, समझा और उसके साथ बहुत जल्दी अपने आप को ढाला और हमारी बातों को भी माना, समझा। हमने कहा कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए तो मेंटेन करते थे। कई बार मास्क लगाने में लोगों को असुविधा होती थी लेकिन फिर भी हम कहते थे कि देखिए आपकी सुरक्षा के लिए जवाबदार ये दिए, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, आप यदि मास्क लगाएंगे तो उससे आपको ही फायदा है। तो लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया, उसको लगा कर रखने की आदत डाली और उससे उन लोगों को फायदा हुआ। और निश्चित जितने वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, मेडिकल स्टाफ हो, हम जैसे दवा विक्रेता हों, दूध वाले हों, किराना दुकान वाले हों या रोजमर्रा की जरूरत की आवश्यक सामान को उपलब्ध कराने वाले लोग हों, पुलिस डिपार्टमेंट हो, तमाम प्रकार के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु या रेडियो, टीवी, पेपर के माध्यम से जो लोगों तक जानकारी पहुंचाने वाले हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं, उन सब लोगों ने बहुत गंभीर प्रयास किया और उसका अच्छा फायदा भी हम सब लोगों ने देखा। हम सब लोगों ने उसका अच्छा उसको उस चीजों को समझा कि विश्व के अन्य क्षेत्रों से भी जो समाचार आ रहे थे वहां की तुलना में, क्योंकि हम पहले से अलर्ट थे, हमें अलर्ट किया गया, हमने भी समझा और उसको एडॉप्ट किया, तो उसका फायदा ये हुआ कि हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी। हालांकि अब जो परिस्थिति है उसमें दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग वायरस से इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्ट भी चल रहे हैं, लेकिन इन सबके बाद भी जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे अभी भी लोगों के अंदर डर है। हम सब भी चिंतित हैं और अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द इसके उपचार के लिए दवाइयां, वैक्सीन की उपलब्धता होगी और हम इन गंभीर हालात से बाहर आ पाएंगे। लेकिन तब तक मैं पुनः सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि पूरे नियमों का पालन करिए, किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे वो जितनी भी आवश्यक रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हों, दवाई हो, दूध हो, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, हर चीज प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, हर चीज मिल रही है, कोई चीज की कमी नहीं है। यदि आप सुरक्षित रहेंगे और हालात को समझते हुए अपने आप को बहुत शांत रखेंगे और शांत रखते हुए यदि अपने आप को सामने प्रदर्शित करेंगे तो किसी भी चीज की कमी आपको महसूस नहीं होगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी,
चारों तरफ हमारे मददगार मौजूद हैं, चारों तरफ हमारे वॉरियर्स मौजूद हैं जो हमें हेल्थ से लेकर हर चीज की सुविधाएं हमें उपलब्ध करा रहे हैं समाचार के माध्यम से, हमें हम सारी जानकारी हम तक पहुंचा। राजेश जी, यहाँ एक और बात हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। अगर हम देखें तो ये जो समस्या है पहली बार आई है इतनी विकराल रूप से, और ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, और जो मास्क की बात है, सैनिटाइजर की बात है, या अपने आप को स्वच्छ रखने की बात है, ये जीवन शैली में ढाल लेने की बात की जा रही है। आपके पास कुछ ऐसे भी ग्राहक आते रहे होंगे जो लोग इसके बारे में, इसके उपयोग को नहीं जानते रहे होंगे और इसकी महत्ता को नहीं समझते रहे होंगे, और आगे चलकर जबकि हमको जीवन शैली में इन चीजों को ढालना है तो क्या इनकी उपलब्धता अब बराबर है? मास्क, क्योंकि अक्सर सैनिटाइजर की कमी हो जाती है, नहीं मिलता है, मास्क की भी बात अगर हम करें तो कमी हो जाती है, लेकिन अभी की किस तरह की पोजीशन है इसके बारे में बताएं। जैसा मैंने आपको बताया परेश जी, कि अभी कोई चीज की कमी नहीं है, मास्क पूरी मात्रा में, आप तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मास्क भी अवेलेबल हैं, थोड़े सस्ते, थोड़े महंगे, थोड़े और अच्छे, सभी क्वालिटी के मास्क अवेलेबल हैं। और बीच में जैसे हमारे, हमने सुना प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि यदि आपके पास मास्क अवेलेबल नहीं है तो आप गमछे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखना पहली आप पहला आपका काम है, आपको उसको हर हाल में उस सावधानी को आपको अपने साथ जोड़ के रखना है। लेकिन मास्क अब भरपूर मात्रा में अवेलेबल है और सभी प्रकार के मास्क अवेलेबल है, सस्ते महंगे, सभी लोगों की के पास पहुंच में है, कभी भी कहीं कोई कमी नहीं है। सैनिटाइजर भी अब भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, और अब जैसा कि बीच में हुआ था जब शुरुआती दौर था कोविड 19 का, तब एक दौर ऐसा आया था जब सैनिटाइजर की कुछ कमी महसूस हुई, जिसका कुछ लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की बहुत ज्यादा रेट में, लेकिन अब वो सब चीजें पीछे चली गई हैं। वर्तमान समय में अच्छी क्वालिटी के 70% एल्कोहलिक, जिसका बार बार प्रचार हो रहा है कि 70% एल्कोहलिक यदि सैनिटाइजर आप यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, फायदेमंद है, वो 70% वाला एल्कोहलिक सैनिटाइजर बाजार में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और उसकी अब कोई कमी नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी कहीं पर, भी चाहे गांव हो शहर हो, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब शांत रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जहां तक लाइफ शैली की जो आप लाइफ स्टाइल की जो आप बात कर रहे हैं पटेल जी, निश्चित रूप उसमें एक परिवर्तन आया है। कस्टमर से भी जो बात हो रही है, जो हमारे पास आते हैं, और हमारे मित्र लोग से भी जो बातें होती हैं, उसमें एक प्रमुखता से एक जो बात आई है कि इस कोविड 19 ने एक चीज के लिए तो सचेत किया है कि आपका जीवन और आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ हैं, अपने जीवन को भरपूर ढंग से जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीजों को नियमित रूप से अपने जीवन, अपने जीवन शैली में, अपने लाइफ स्टाइल में उतारना पड़ेगा। इसमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आप एक्सरसाइज करिए, चाहे वो किसी प्रकार की एक्सरसाइज हो, क्योंकि इस वक्त बाहर जाने आने पे पाबंदी है। अब तो हालांकि थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन जब तक पाबंदी थी तब भी बार बार हर तरह से लोगों ने ये सचेत किया कि आप घर से रहें, योग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ाने से निश्चित तौर पर इम्यूनिटी आपकी मजबूत रहेगी तो आपको जल्दी कोई बीमारी असर नहीं करेगी। जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं कि सर्दी खांसी हो जाए, जैसे अभी तक थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में भी, और जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग को जरा सा भी किसी को छींक खांसी सर्दी दिखाई पड़ती थी तो तुरंत उनको ये लगता था अरे कोरोना कोरोना, लेकिन अब जागृति आ गई है, लोगों ने समझा है कि सर्दी खांसी एक अलग बीमारी है। लेकिन हाँ, यदि ये बीमारी है तो आप निश्चित तौर से उसको ढील न दें, डॉक्टर के पास जाए, दवाइयां लें, यदि आपको समय पर, निश्चित समय पर वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आप अपना टेस्ट कराएं, कोरोना का टेस्ट कराएं, ताकि आपको किसी भी किस्म की शंका से भान नहीं रहे। लेकिन उन सबसे ऊपर परेश जी, सबसे बड़ी बात है अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें, ताकि आप जल्दी बीमार ना पड़े। और एक जो बड़ा परिवर्तन मैंने महसूस किया, धीरे धीरे निश्चित तौर पर हम भी महानगर की शैली में ढलते जा रहे हैं और राजधानी बनने के बाद जिस ढंग से हमारे शहर का विकास हुआ है, हमारे यहाँ लोगों ने देर रात तक काम करने, देर रात तक मार्केट में रहना, देर रात तक यहाँ वहाँ गतिविधियों में इन्वॉल्व करना, सुबह देर तक सोना, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल ये बदले हुए हालात में थी। लेकिन विगत जो कोरोना कोविड 19 के इफेक्ट के बाद लॉकडाउन की वजह से लोगों ने जब घर में रहना शुरू किया,
जी। और अपनी लाइफ स्टाइल में जब चेंजेस लाए तो जो महसूस किया कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने, योग करने से दिन भर हमें बड़ा फ्रेशनेस महसूस होता है जी। हेल्दी फूड, बाहर का खाना हमने बंद कर दिया क्योंकि होटल सभी चीजें बंद हैं, हम घर में जो खाना, घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, उस हेल्दी डाइट की वजह से, हेल्दी फूड की वजह से निश्चित ही हमारी हमारी इम्यूनिटी तो डेवलप हुई है जी। साथ ही साथ हमें हमारा हर हमारे शरीर का सभी तंत्र, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे सभी तंत्र सही ढंग से काम कर रहे हैं और हमें अलग सी फीलिंग महसूस हो रही है। हमें लग रहा है कि निश्चित तौर पर हम एक नया माहौल हमको मिल गया है, एक नई नया ढंग का जीवन शैली हमारा आ गया है। तो उस पर लोगों ने ये महसूस किया कि यदि हम जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया था बीच में, अभी भी इसको थोड़ा बढ़ाकर 7 बजे तक किया गया है, मेडिकल को छोड़कर दिया जाए तो बाकी सभी सेवाओं को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक किया है, लोगों के मन में ये आने लगा कि यदि इसको परमानेंट कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सुबह 7 बजे तक, 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हम काम करें और उसके बाद बाकी का समय हम अपने परिवार को दें, अपने समाज को दें, अपने शरीर को दें। प्रमुखता जो इस समय बीमारियां हमारे चारों तरफ फैली हुई है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका थायराइड है, ये सब बीमारियां लाइफ स्टाइल में जो कमियां हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में पैदा हो रहे हैं। तो अभी जो इस COVID-19 की वजह से जो 2.5 महीने 3 महीने का पीरियड बीता, उससे लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके जो अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया है जी, उससे उनके अंदर ये जागृति आई है कि नहीं, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ भागते रहने, पैसे कमाते रहने और काम करते रहने से ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो तब है जब हम काम भी करें, मेहनत भी करें, पैसे भी कमाएं, लेकिन अपने परिवार को, अपने समाज को और खुद अपने शरीर को पूरा समय दें, तभी हम स्वस्थ रह पाएं। बहुत बेहतर बात कही राजेश जी आपने, और जो पॉजिटिव पक्ष है, धनात्मक पक्ष, उसकी बात आपने बेहतर की, लोगों को जागरूक भी किया। इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, श्री राजेश त्रिपाठी जो मेडिकल सेवा से जुड़े हैं, अपने अनुभव हमसे बांट रहे थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि COVID-19 का यह वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापिस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन इससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। श्रोताओ, जीवन में आहार का अपना महत्व है। बिना भोजन या आहार के शरीर की गाड़ी चल ही नहीं सकती। मूल रूप से आहार में पका हुआ भोजन यानी चावल, रोटी, सब्जी, दाल भी जरूरी है और शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में दूध फल का भी होना जरूरी है। लॉकडाउन के इस दौर में शासन द्वारा इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं में शुमार किया गया और विशेष अनुमति दी गई इनसे जुड़े लोगों को। हमने भी बारी बारी से सभी से बात की। आप हैं श्री विनोद कुमार छुट्टानी, जो किराना वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। आपने हमें अपनी चुनौतियों से अवगत कराया। जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम COVID-19 में विनोद कुमार छुट्टानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर।
विनोद जी, हमने देखा है पूरे लॉकडाउन के पीरियड में आपने बहुत ही शिद्दत से लोगों को किराना सामानों की सप्लाई की है, काफी मेहनत की है आपने, व्यवस्थाओं को संभाला है, कई चुनौतियों का आपने सामना किया है। तो हम जानना चाहेंगे, चूंकि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आपकी जो सेवाएं आती हैं, तो इस पूरे दौर में आपने किस तरह महसूस किया, सामानों की आपूर्ति की बात हो, लोगों को संभालने की बात हो, भीड़ को व्यवस्थित करने की बात हो, या फिर तमाम चीजें, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बोलेंगे तो वो इस लाइन में आए आज 22 साल हो गए हैं, इतना कठिन समय जो है ना, ये पिछला 3 महीने हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा, मतलब इस बिजनेस से जुड़ा हुआ। जी जी, कि हर एक चीज की परेशानी थी उसमें, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे कस्टमर के लिए हो, चाहे जहाँ से हमारा माल आता है वहाँ से हो, सब तरफ से परेशानियां थी। ऊपर से माल बिल्कुल सप्लाई नहीं था, आ नहीं रहा था, थोड़ा बहुत भी जो माल आ रहा था उसको लाना ले जाने के लिए ही न वर्कर थे, न सुविधा मिल रही थी, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा, ट्रांसपोर्ट सुविधा तो बहुत परेशानी है। उसके बाद भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें कस्टमरों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी जी। थोड़े थोड़े सामान के लिए भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी जी। तो कुल मिला के बड़ा तकलीफ वाला समय था, चाहे वो हमारे लिए था, चाहे हमारे कस्टमर के लिए था, या जो हमको माल देते उनके लिए भी बहुत कठिन था। तो विनोद जी, कैसे सामना किया आपने, क्या क्या एहतियात सावधानियां बरती के लोग जब आते थे तो उनको किस तरह आपने व्यवस्थित रखा, और जो आवश्यक चीजें हैं जैसे सैनिटाइजर वगैरह की बात है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की, ये कैसे आपने मेंटेन किया? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो क्या है, बिल्कुल एकदम सुरक्षा इतनी रखी गई थी कि बिल्कुल जो भी कस्टमर आए बकायदा 1 मीटर की दूरी पे ही हर किसी को खड़े रहना था जी। नगर निगम वालों का भी बहुत सपोर्ट था, उन्होंने भी कंटिन्यू बाहर पोस्टर बैनर लगा के रखे थे जी। कि इतना दूरी पर ही रुकना है, बिल्कुल। कस्टमर भी सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि बीमारी वैसी थी कि हर कस्टमर भी फुल सपोर्ट कर रहा था बिल्कुल जी जी। और बकायदा 1-1 मीटर की दूरी पे रुकना, सैनिटाइज करके अंदर आना जी। और कंटिन्यू इतने उसमें हम 2 आदमी 3 आदमी से ज्यादा अंदर किसी को अलाउ भी नहीं कर रहे थे, ताकि ना हमको कोई नुकसान हो ना किसी कस्टमर को नुकसान हो। किसी सपोर्ट सबका रहा, पब्लिक ने फुल सपोर्ट किया हर एक चीज का बिल्कुल। और विनोद जी, उस समय पर जब लॉकडाउन का दूसरे तीसरे चौथे दौर तक दुकानें पूरी नहीं खुलती थी, आधी खुलती थी, लोग आते थे, और चूंकि आपके पुराने ग्राहक होंगे तो उनकी अपेक्षाएं भी ज्यादा रही होंगी आपसे, तो उनको कैसे आपने मैनेज किया, किस तरह उनको संतुष्ट किया, ये जरूर बताएं। देखिए क्या है, तो सबको जानकारी भी तो थी कि इस बीमारी के चक्कर में मतलब सब फैक्ट्रियां या बाहर ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद है पूरे, तो क्या है कस्टमर भी कंप्रोमाइज कर रहे थे। जैसे बीच में बहुत सारे ऐसे आइटम थे जो लोगों को मिल ही नहीं रहा था, जैसे सब आइटम बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, तो लोग समझ रहे थे उसकी जगह दूसरे आइटम ले जा रहे थे, यानी कंपनी चेंज कर रहे थे, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे वो, लेकिन सब मजबूरी में। अब आदमी का क्या है, टेस्ट रहता है ना, उसको ऐसा तुरंत चेंज करना यानी पॉसिबल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, कस्टमर ले जा रहे थे तो चल रहा था, पर थोड़ी तकलीफ जा रही थी, कस्टमरों को समझा रहे थे और अपने पुराने कस्टमर हैं तो सब समझ भी रहे थे। विनोद जी, यहाँ एक और समस्या आई होगी कि एकदम से लॉकडाउन है, कितने दिन लॉकडाउन रहेगा या कैसे होगा, ये जो पैनिक की सिचुएशन थी, इसमें लोग संग्रह करने के लिए भी ज्यादा ज्यादा सामान ले जा रहे होंगे, तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था थी कि नहीं इतना नहीं ले जाना है आपको, बल्कि कुछ सीमित मात्रा में ले जाना है, क्योंकि व्यवस्था आपूर्ति तो लगातार रहेगी? बिल्कुल। क्या हुआ, जब शुरू में हुआ तो कोई समझ नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, कैसा चलेगा, कितने दिन चलेगा, क्या है जी। तो कस्टमर जो ले जा रहे थे तो दिमाग में यही था कि 1-1.5 महीने के लिए तो कम से कम राशन सामान तो घर में रहे, बाकी सामान रहे ना रहे, कोशिश कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि ऊपर से ऐसा कुछ इतना नहीं होना है ना, सब कुछ है, भले ये है कि आपको अपनी कंपनी वाला आइटम नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन मिलेगा जरूर, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मतलब हर आदमी 3-3 महीने 4-4 महीने का राशन भर के रख रहा था, ऐसा हो गया था। जी, तो आपने इस पर अंकुश लगाया, मतलब ऐसा करने से रोका उन्हें? हाँ, हमने उनको काफी समझाया, क्योंकि देखिए क्या है, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था इतना सामान एक साथ मंगाना, उनको देना, या उनके लिए भी संभव नहीं था, हर फैमिली इतने सक्षम भी नहीं है कि उनको इतना राशन
आदमी भर के रखे तो तकलीफ में दूसरे भी खर्चे बहुत रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से क्या है समझा रहे थे उनको, लेकिन कई पब्लिक है समझ रही थी, कई नहीं भी समझ रहे थे, जिनके पास सक्षम है अपने हिसाब से तो भर के भी रख रहे थे। जी विनोद जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। हाँ, ये जो समस्याएं चल रही हैं, ये जो ये तो लंबा चलेगा इस बीमारी का, हाँ, जो प्रकोप है वो अभी और बढ़ रहा है, तो जो व्यवस्थाएं आपने बनाकर रखी थी सैनिटाइजर की, सोशल डिस्टेंसिंग की और जो भी व्यवस्थाएं, उसको आप अभी जारी रखे हुए हैं और उसे वैसे ही मेंटेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो क्या है ऐसी आदत में आ गया है सर, अच्छी आदत बोल सकते हैं लग गई है। अब ऐसा है कि मतलब ये लॉकडाउन चाहे एक महीना और चले, छह महीना चले, साल भर चले, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी लाइफ में सैनिटाइजर अब समझो जुड़ गया है, मतलब अब एक आदत हो गई है और हमको नहीं लगता कि आदत इतनी जल्दी अब छूटेगी, और आदत अच्छी भी है, बहुत अच्छी आदत है, अच्छा सीखने भी मिला। बिल्कुल, इस बीच में आप देखे होंगे कि हर किसी को सफाई में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, चाहे कोई भी वर्ग का आदमी हो, सबको एक सफाई के लिए भी बड़ा एक वो मिला है। बिल्कुल, तो विनोद जी आज आपने बहुत अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से बताया इस पूरे दरमियान आपको किस तरह की परेशानियां हुई, किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया, इन जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, किराना सेवा से जुड़े हुए श्री विनोद कुमार छुट्टानी अपने अनुभव बता रहे थे। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए, मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन, बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस, और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर चार मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओ, दूध एक ऐसी वस्तु है जो सबके काम आती है अलग अलग अंदाज में। आपको चाय कॉफी पीनी है तो आपको दूध चाहिए, आपको स्वास्थ्य बेहतर रखना है तो दूध चाहिए, बीमार लोगों को दूध चाहिए, बच्चों को तो अति प्रिय होता है दूध, और कोरोना के इस दौर में तो दूध में हल्दी डालकर पीने की हिदायत लगातार ही दी जा रही है। मुश्किल दौर में दूध की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की गई, क्या क्या उपाय किए गए, हमें बताया छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष श्री रसिक परमार ने। जागरूकता से जुड़े विशेष कार्यक्रम कोविड 19 में रसिक परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रसिक जी, अगर हम देखें इस दरमियान तो लॉकडाउन के कारण तमाम जो सेवाएं थी उनमें दूध एक ऐसी सेवा थी जिसे आवश्यक सेवा माना गया, क्योंकि दूध की जरूरत हर परिवार में, हर घर में पड़ती है, खासकर बच्चों को, और चाहे हम अगर बात करें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो भी एक शक्तिवर्धक पेय पदार्थ के रूप में भी दूध सामने आता है। तो आप दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष हैं और इस पूरे दौर में जबकि तमाम तरह की समस्याएं थी, लॉकडाउन का समय था, किस तरह से आपने इन पूरी परिस्थितियों में व्यवस्थाएं की, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। लॉकडाउन को लेकर शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इन परिस्थितियों में कैसे काम करें। जी, लेकिन आवश्यक वस्तु के अंतर्गत दूध आता है और दूध बहुत जरूरी था जनता तक पहुंचाना, इसलिए हमने रणनीति बनाई और हमने जो हमारी पूरी टीम है दूध महासंघ परिवार जो है उस सबने मिलकर तय किया कि किसी भी हालत में दूध की सप्लाई को ना रोका जाए। हमने सिर्फ दूध की सप्लाई ही नहीं, हमने जो दूध कलेक्शन का काम है उसको भी निर्बाध रखा और इसके साथ हमने घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध कराई ताकि किसी उपभोक्ता को, किसी बच्चे को कभी भी दूध को लेकर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये एक बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इसमें बहुत सफल रहे और जब बहुत ये कोरोना का जब क्राइसिस चल रहा था
उस समय भी हमने बहुत अच्छे ढंग से दूध की सप्लाई को जारी रखा। जी जी, जैसा आपने बताया रसिक जी कि तमाम आपकी टीम ने काम किया, तो इस समय एक चुनौती रही होगी क्योंकि स्टाफ भी उतना नहीं आ रहा था, तो तमाम संयंत्र को चलाने की बात हो या फिर आपूर्ति की बात हो, तो किस तरह से आपने इन चुनौतियों का सामना किया? शुरुआत में तो हमारे कर्मचारी और जो अधिकारी वो भयभीत थे जी, लेकिन हमने उनको इस बात का एक तरह से वास्ता दिया कि ये चुनौती है और हमको जनसेवा का काम करना है, और इस भावना को हमने जागृत करके उनको मोटिवेट कर तैयार किया, और धीरे धीरे वो समझने लग गए। बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानी रही, लोग दूध संघ आने से बचते थे, प्लांट आने से बचते थे, लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारियों में एक बार जब उत्साह जागृत हो गया और उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ विभिन्न परिस्थिति में भी काम करते रहे और दूध की सप्लाई को बनाए रखा। बिल्कुल रसिक जी, इस दरमियान सिर्फ दूध की आपूर्ति रही या जो भी चीजें आपके संस्थान में बनती हैं उन चीजों का भी निर्माण होता रहा, किस तरह की वहां पर स्थिति रही? उसको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक दो दिन बाद ही हम पूरी तरह संभल गए थे, और हम जितना जो प्रोडक्ट हम दूध उत्पादन जो हम बनाते हैं उसका सब निर्माण करते हैं, दही बना दे, खोआ पनीर, पेड़ा, लस्सी, जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं हमने वो सब बनाया जी, और सबकी सप्लाई भी जारी रखी, और काफी वक्त तक हमने घर को सेवा भी चालू रखी। जी जी, तो रसिक जी इस पूरे पीरियड में ग्रामीणों से जो दूध प्राप्त होता है या फिर जो औरों से आपके संस्थान को दूध प्राप्त होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी आपने महसूस की? उसमें तो हमको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जी। हुआ ये कि जो दूध की जो आवक है वो और कहीं नहीं खपने के कारण उसका पूरा का पूरा प्रेशर हमारे दूध मार्केट पर आ गया। अमूमन होता यह है कि बहुत से लोग सीधे होटलों में या और कहीं दूध खपा देते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूरी होटलें सब बंद हो गई, तो जितने भी दूध उत्पादक थे वो सब दूध लाकर दूध संघ में देने लग गए। स्थिति ये हो गई कि हमारी जो नियमित आवक थी उससे सवा डेढ़ गुना हमारी आवक बढ़ गई थी। इसके बावजूद हमने कोशिश की कि अधिक से अधिक किसानों का दूध हम खरीदें और व्यवस्था को बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही रसिक जी आपने, और आपने बहुत जानकारियां दी अपने संस्थान की तरफ से इस पूरे समय में, जबकि आगे आने वाला समय भी अभी काफी विपरीत है, केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो किस तरह से आप देखते हैं आगे का समय और श्रोताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? चुनौती तो है, इसमें कोई आशंका नहीं, इस चुनौती के अनुसार हम दूध संघ को ढाला है हम लोगों ने, अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी आई तो अब हम निश्चित रूप से किसी व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे, और हम जो हमारे उपभोक्ता हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप बिल्कुल दूध के मामले में निश्चिंत रहें जी। आपकी डिमांड के अनुसार आपको आपूर्ति होगी, दूध में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना क्वालिटी में ना क्वांटिटी में। आप जब जितना जैसा दूध चाहेंगे उतना दूध महासंघ उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, और इतनी व्यवस्था हमारे पास है जी। रसिक जी, आज आपने आकाशवाणी के लिए समय निकाला, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इन जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप थे श्री रसिक परमार, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ, जो हमें दूध की आपूर्ति को लेकर चुनौतियों की बात बता रहे थे। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस COVID-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको COVID-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो उनके साथ कोई भेदभाव न करें। COVID-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, जैसे दूध जरूरी है बेहतर स्वास्थ्य के लिए, वैसे ही जरूरी है फल। जी हाँ, चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमें अक्सर ये सलाह देते हैं कि हम
मौसमी फल जरूर खाएं, जिससे हमें पर्याप्त विटामिन मिल सके। फल विक्रय से जुड़े लोगों ने भी लॉकडाउन पीरियड में लगातार समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी। हमने बात की श्री ब्रजेश कुमार गंगवानी से। कोविड-19 जागरूकता से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में ब्रजेश कुमार गंगवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ब्रजेश जी, आप फलों की सेवा से जुड़े हुए हैं, लोगों को फल विक्रय करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के समय, जबकि काफी मुश्किल समय था, फलों की आपूर्ति भी कम हो गई थी, ट्रांसपोर्ट, चाहे बसों की बात करें, ट्रेनों की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, सब कुछ बंद था, तो ऐसे में किस तरह से आपको फलों की आपूर्ति हुई, लोगों को आपने किस तरह से ये सेवा प्रदान की, क्या क्या आपने सावधानियां बरती, इसके बारे में जरा बताएं। फल तो उस समय बहुत कम आता था जी। सावधानियां ऐसी थी, मुंह में मास्क लगा के रखते थे, सैनिटाइजर रखते थे। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो दूर से देने वाली बात है, इसको भी आपने पालन किया जी। ब्रजेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया, मतलब फल कितनी मात्रा में आ रहे थे, क्या फल आ रहे थे, तो इनके रेट्स क्या ज्यादा थे, कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। रेट तो सर उस समय कभी ज्यादा कभी कम ऐसे हो जाता था जी, और डेली आता था, वैसा नहीं आता था। तो ये फल कहाँ से आते थे, किस तरह से आपको मिल रहे थे? उस समय सर बाहर से जो ट्रक आती थी उसमें आती थी फल। अच्छा अच्छा, आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो सेवाएं वाला जो रहता तो, था होती नहीं। तो किस तरह के कौन कौन से फल आ रहे थे, और क्या सभी फल पर्याप्त मात्रा में आ रहे थे? नहीं सर, पर्याप्त मात्रा में तो नहीं आ रहा था जी। जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया जी, सेब हो गया जी जी, अनार हो गया। तो लॉकडाउन के समय में आपको कितने देर से कितने देर तक अपना व्यवसाय करने की अनुमति थी? तो सर सर उस समय 2 बजे तक का टाइम था जी जी। इस समय शुरू लॉक हुआ उस समय 4 बजे था, 4 बजे से 2 बजे किए जी जी जी। और 9 बजे से, और जब संपूर्ण लॉकडाउन होता था शनिवार या इतवार को, उस समय भी आपको अनुमति होती थी खोलने की? नहीं, हालांकि 12 लगा था सर, लेकिन नहीं। जी जी जी, चलिए ब्रजेश जी, आपने अच्छी जानकारियां दी, इन जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप थे श्री ब्रजेश कुमार गंगवानी, जो फलों की बात हमें बता रहे थे। आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी सेवा के जिक्र में हम आइए आखिर में बात करते हैं सब्जी से जुड़े लोगों की। सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हैं, और वहीं भोजन का स्वाद बढ़ाने में भी इनका महत्व बड़ा ही अद्भुत होता है। लॉकडाउन और मुश्किल समय में सब्जी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में हमें बताया श्री राजकुमार साहू ने। कोविड-19 जागरूकता से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार जी, आप सब्जी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और लॉकडाउन का एक बहुत लंबा समय हमने गुजारा है, और सब्जी आवश्यक सेवाओं में आती है। सबको हर दिन सब्जियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है, और भोजन में साथ निभाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरा लॉकडाउन का समय रहा, उस समय सब्जियों की आपूर्ति की बात करें या सब्जियों को लेकर चुनौतियों की बात करें, तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? चुनौती कुछ ऐसी थी जी, हम लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ता था जी। जल्दी उठना के समय सबको 1 बजे रात को, 2 बजे रात को मंडी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस मंडी लगता था जी, तो वहां हम लोगों को जाना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि जहाँ भीड़ इलाका बन होता था ना, कभी कभी मंडियां भीड़ होती थी, पुलिस वाले इसको मंडी को तुरंत बंद करा देते थे जी जी। तो उसी बीच में अपने को सामान भी खरीदना था, फिर अपने आप का भी ख्याल रखना था, भीड़ का भी ख्याल रखना था जी जी। पुलिस वालों को भी ध्यान देना था कि ज्यादा भीड़ तो पुलिस वाले चिल्लाते भी है, मारते भी है, उनका भी ख्याल रखना पड़ता था। तो राजकुमार जी, जब आप सब्जी मंडियों में जाते थे, तो किन किन सावधानियों का आप प्रयोग करते थे, और वहाँ क्या सावधानियां बरती जाती थी? हम सब पहले तो अपना मास्क वगैरह लगा के जाते थे, ग्लव्स वगैरह पहन के जी जी। और जहाँ जैसे ज्यादा भीड़ होता था, जहाँ भी नीलामी वाला सिस्टम होता सब्जी में, तो जहाँ ज्यादा भीड़ होता है उस जगह में जाने का नहीं जी, जी। गए हो तो तुरंत गए, तुरंत आ जाओ, जो भी रेट हो, जैसा भी सब्जी हो उसको उठा के आ जाओ,
बिल्कुल छाट वाट। तो आपने महसूस किया कि लॉकडाउन के पीरियड में सब्जियों की आवक में या उनके रेट्स में कुछ फर्क आया? सर मैं अगर सच्ची बताऊं तो रेट ये कम हुए, बढ़े कम तो नहीं लॉकडाउन में, सभी सब्जियों के रेट गिरे हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि सब्जियां छत्तीसगढ़ से बाहर जा नहीं रही थी। जी जी, फल भी नहीं जा रहा था, जो अपना लोकल फल होता है सब्जी होता है वो सब बाहर नहीं जा रहा था, जो था यही था। जी जी, इसलिए उनकी आपूर्ति भी अच्छी हो रही थी, है ना? आपूर्ति अच्छी होती, क्वालिटी अच्छी मिल रही थी। जी जी, राजकुमार जी एक बात बताएं कि लॉकडाउन के समय में आपको किस समय अपनी दुकान खोलने की अनुमति होती थी, कितने बजे तक आप रहते थे? स्टार्टिंग में तो हम लोग को दुकान खोलने की अनुमति 4 बजे तक थी, शाम मतलब सुबह 9 बजे से 4 बजे तक शाम के। जी जी जी। फिर उसके बाद 3 बजे अगले मतलब एक दिन आगे। जी जी। फिर उसके एक दिन और आगे 2 बजे, ऐसा करके 1 बजे तक गया टाइमिंग। जी जी जी। मतलब रोज 1 घंटा कम। जी जी। फिर वापस से उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको वापस से बढ़ाया गया। तो पूरे हफ्ते रहते थे आप मतलब? हाँ मैं पूरे हफ्ते रहता था। जी जी। तो राजकुमार जी आप अपनी दुकान में क्या क्या सावधानियां बरतते थे, अगर बहुत से लोग आ जाते थे एक साथ तो उनको क्या आप डिस्टेंस में खड़ा करवाते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे? सर हम लोग ना पहली बात तो सबसे पहले गोला बना के रखे थे अपनी दुकानों पे। जी जी। और गाड़ी पार्किंग के लिए एक आदमी रखवाए थे कि गाड़ी साइड में पार्क करे। जी जी। प्लस अपन रस्सी बांध दिए थे जिसको भी चाहिए अपने को बोले हम उसको निकाल के दे। बिल्कुल। और सैनिटाइजर भी रखे हुए थे। जी जी। और कस्टमर भी अपने आप में सक्षम थे कि मतलब कैसे अपने आप को सावधानी से रखा जा सके, जो भी वो करते हैं अपने आप को सावधानी से। बिल्कुल। अगर खरीदते हैं तो राजकुमार जी जब मंडी से आप सब्जियां लाते थे तो क्या उनको फिर से आप साफ सफाई या धोते थे, क्योंकि सब्जियों को आमतौर पर लोग जब घर ले जाते हैं तो वो तो धोते ही हैं, लेकिन एक आशंका या एक दहशत भी होती है मन में, तो क्या उसके निवारण के लिए आप उन्हें पहले से ही स्वच्छ करते थे? देखो कई सारी सब्जियों के हम धोते थे, जी कई सारी सब्जियों को हम नहीं धोते, क्योंकि जैसे भाजी वगैरह जो होती है सब्जियाँ, जी जी, जैसे पालक लाल भाजी जो अपनी तरकारी सब्जी में आती है भाजी वाली है, तो हम लोग नहीं धोते, क्योंकि अगर उसको धो के हम रखेंगे तो गल जाएगी। जी जी। बाकी सारी सब्जियां फूल गोभी पत्ता गोभी वो आज भी हम लोग धो के ही जमाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब की स्थिति की अगर हम बात करें तो किस तरह की स्थिति है? सब आपूर्तियां सामान्य हो गई हैं, स्थितियां सामान्य हैं? स्थितियाँ सामान्य तो नहीं है, स्थितियाँ अभी और बिगड़ रही हैं। जी जी। क्योंकि अब ऐसा है कि खुद को अपने आप को बचाने का है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ जी। और रही बात तो देख भी रहे हो आप, करंट पे भी टूटे मतलब इसमें पीरियड में अपना कितना कोरोना बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहले से 8 अरब लग, मतलब सबको अपनी सावधानी खुद रखनी है अब, है ना? खुद रखनी है अब, अपने आप को ये समझ के चलो कि सामने वाले कोरोना है, अपने आप को बचाना है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, मतलब सावधानी और संयमित रहने वाली बात है ये। और राजकुमार जी अपनी चुनौतियों के बारे में और अपने सेवा के बारे में आपने बेहतर जानकारियां हमें दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं आप थे श्री राजकुमार साहू जो सब्जियों से जुड़ी बात हमें बता रहे थे। आवश्यक सेवाओं की बात करें तो तमाम सेवाओं को बड़े ही शिद्दत के साथ समर्पण के साथ लोगों तक पहुंचाया गया लॉकडाउन पीरियड में। अब जबकि स्थितियां सामान्य हुई हैं तो ये वस्तुएं आमतौर पर आसानी से मिल रही हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है हमें कुछ हिदायतों का कुछ सावधानियों का ख्याल तो रखना ही है। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम जाते हैं तो जरूर मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, दूरी बनाकर रखें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलें। तो सावधानियों के इस संदेश के साथ ही आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त परेश को इजाजत। नमस्कार।